करनाल के शहीद उधम सिंह चौक पर लगी शहीद उधम सिंह की प्रतिमा से रिवॉल्वर चोरी करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके चलते आज कांबोज बिरादरी के लोग पुलिस को शिकायत करने पहुंचे। वहीं मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शहीद उधम सिंह चौक का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस ने इस तरह की हरकत करने वाले असामाजिक तत्व के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि शहीद उधम सिंह चौक पर शहीद की प्रतिमा के साथ कुछ शरारती तत्वों द्वारा छेड़खानी की गई है, जिसके बाद अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। वहीं इस कार्रवाई से कांबोज बिरादरी के लोगों ने कहा कि कुछ लोग इस समय जो किसान आंदोलन चल रहा है उसकी आड़ में भाईचारा समाप्त करने की साजिश रच रहे हैं, जिसके चलते यह हरकत की गई है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यह हम आपको बता दें कि एक दिन पहले बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ भी छेड़छाड़ करने का मामला प्रकाश में आया था और यह दूसरा मामला सामने आने से लोगों में गहरा रोष व्याप्त है। प्रकार से भी कि उन बंदों को देखा जाए, पकड़ा जाए, कोई कार्रवाई की जाए, जिसकी वजह से बार बार हो रहा है और ये शहीद के साथ ऐसा ना होना चाहिए। हम ये चीज़ चाहते हैं सरकार से। तो सीसीटीवी कैमरे भी वहाँ पर लगे हैं। सीसीटीवी का कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन उन कैमरे का कोई काम नहीं हो रहा। उनको ये समझ लीजिए, वो लगे ना लगे बराबर हैं। उनके पास पैसे भी लग चुका है सरकार का और वो काम नहीं कर रहे। कवरेज कुछ भी नहीं है ना जी, कवरेज हो ना हो, हमें तो ये पता है कि अगर वहाँ इतने कैमरे लगे हुए और ऐसी बात हो गई तो उसकी फोटो वगैरह ग्राफ क्यों नहीं आया उसके बीच में। इसमें या तो उनमें कमी है, वो कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, ये ठीक से नहीं लगे हैं, तो उनके ऊपर भी पूरा हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से भी पूरा ध्यान दिया जाए कि भाई वो वर्किंग में हो तो इन्हीं के माध्यम से ही आगे फाइनल आउट होता है, पकड़ में आता है कोई भी हो। उसमें लिखा गया सीसीटीवी कैमरे, अब क्या शिकायत दी गई है अंदर? हाँ यही दिया जी, हमने ये दी कि फर्स्ट टाइम भी हुआ था और हमने ये रोष भी प्रकट किया था, डीसी साहब को मेमोरेंडम भी दिया था, उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि ऐसी शहीदों के साथ अगर ऐसी होने लग रही है तो बचाव में फिर कौन रहेगा। अब वो शहीद है ये कि जिसने जाके इंग्लैंड के अंदर अपने देश के प्रति और जो बदला लिया था, उनको भी नहीं बख्श रहे, उनकी भी हम देख रेख नहीं कर पा रहे हैं, उनकी भी सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है। तो इसलिए हमारी बार बार यही रिक्वेस्ट है कि कम अज़ कम जो इस तरह की कर रहे हैं, सेकेंड टाइम ही हो गया और वो कर रहे हैं, तो उनको ज़रूर पकड़े सरकार और पकड़ के उनको सज़ा भी दे ताकि पता भी लगे और आगे भी ये एक देश के अंदर मतलब ये एक किस्म का आवाज़ पहुँचे कि भाई ऐसा नहीं करना, अगर कोई करता तो दूसरों को भी डर। तुम्हारी ये रिक्वेस्ट है। आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने ये आश्वासन दिया जी कि हम डीसी साहब से बात करेंगे और पूरा आपका रिपेयर कराने की भी कोशिश करेंगे और जो पीछे हुआ हाँ जी और उसको पकड़ेंगे, पूरी कोशिश करेंगे मुजरिम ताकि पकड़ा जाए, ताकि ये घटना बार बार ना घटे। अगर ये घटना बार बार घटती रही तो फिर ना तो मेमोरेंडम दिया का फायदा, ठीक है ना जी, और ना कोई बात करने का फायदा। सर क्या मामला है जिसके किसी शरारत तत्व ने काम किया हैगा, प्रशासन में ये दे दिया हमने, 32 थाने सेक्टर में इसकी एफ आई आर दर्ज हो चुकी है, सीसीटीवी हमने चेक कराए हैं, लेकिन वो मौके पे काम नहीं कर रहे थे, 60 डिग्री कैमरा है वो भी बैकअप नहीं दे रहेगा। हमारी प्रशासन की पूर्ण मांग है भाई शहीद उधम सिंह की जो मूर्ति है खंडित जो हुआ है परिवार जो है उसको तुरंत जो है सरकार लवाए और जो भी दोषी हैं उनको तुरंत पुलिस द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? पुलिस द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम जल्दी जल्दी जो है ना कारपेट को पकड़ेंगे जिसने ये गलत काम किया है। जो आसपास के कैमरा लगे हैं चालान काटने के लिए वो उन्होंने चेक की है, लेकिन नहीं उसमें आया नहीं, ये प्रशासन ऐसा ये किसी सरकारी कमी नहीं है, प्रशासन ही कमी है, ये प्रशासन की कमी है, ये तो प्रशासन इस पर एक्शन लेना चाहिए था। अगर ये लगे हैं कैमरा लगाए हैं कैमरे, अगर कैमरे चेक ही नहीं होते तो फिर इसका फायदा क्या आएगा? इसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ ड्रामे के लिए लगाए हुए हैं। कल भी है ये और ऐसा जी, कल भी पुलिस आई थी, पुलिस ने हाल के सारे लोगों को चेक किया, ठीक है जी, सीसीटीवी कैमरे वाले लोग भी आए थे, दूसरे लोग भी आए थे, सीआईडी वाले भी आए थे, सामने आके देखा उसमें कुछ नहीं मिला कैमरे में। क्या नाम सर? मैं प्रतिहार कंबोज शहीद उधम सिंह वेलफेयर सोसाइटी का उपप्रधान। धन्यवाद। तो आप हाँ सर, किन वजह से आज आपको इकट्ठा होना पड़ा यहाँ पर? शहीद उधम सिंह चौक पर उधम सिंह जी की मूर्ति के साथ असामाजिक तत्वों ने छेड़छाड़ की है और उनके जो पहले भी मूर्तियों खंडित किया गया था, दोबारा फिर ये प्रयास किया गया मूर्तियों खंडित करने के लिए। इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश और राज है, ये समाज को तोड़ना चाहते हैं लोग, कुछ ऐसे सामाजिक तत्व जो देश के अंदर भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार को हमने पिछले बार भी ये चेतावनी दी थी प्रशासन को कि हमारी मूर्ति के साथ पहले भी खंडन हो चुका है, इसका हाथ को खंडित किया गया था और फिर भी प्रशासन नहीं जागा। आज फिर वही वाक़ा दोहराया गया ताकि समाज में किसी प्रकार का जो भाईचारा बना हुआ है उसको तोड़ा जाए और ये एक बहुत शांति प्रिय कौम कांबोज बिरादरी
अपने शहीद के प्रति बड़ी ही संवेदनशील है और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उन तत्वों का पता लगाया जाए जो बार बार इस प्रकार का घिनौना कार्य कर रहे हैं और ये समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारी प्रशासन से एसपी से भी सब अपील है कि आप तुरंत हरकत में आकर के पूरी बिरादरी को न्याय दिलाने का काम करें। क्या कारण हो सकता है सर, जो उपद्रवी है क्यों वो सक्रिय हो गए हैं शहीदों की मूर्तियों को लेकर? जहाँ तक मेरा मानना है कि वो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं कि इस समय देश के हालात बड़े नाजुक चल रहे हैं, चारों तरफ आंदोलन का दौर चला हुआ है और उन लोगों की शरारती तत्वों की ये सोच है कि इस प्रकार से जो समाज आराम से अपने काम में लगा हुआ है उसको भी इस प्रकार से सरकार के विरुद्ध खड़ा किया जाए ताकि देश में अराजकता का माहौल हो जाए। ठीक है, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम मास्टर शिव कुमार है, मैं कम्बोज सभा जिला करनाल का सेक्रेटरी हूँ, सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। धन्यवाद। जो मूर्ति को खंडित किया गया, क्या शिकायत मिली? देखिए, हमारे को कल इस बारे में शिकायत मिली थी कि हमारे ऊधम सिंह चौक पे ऊधम सिंह की प्रतिमा की जो है आग से वो रिवाल्वर जो है वो गायब है, वो किसी शरारती तत्वों ने तोड़ दी, शरारत में इसको तोड़ा है और हमने इसमें शिकायत लेके और उसके बाद अलगम एफ आई आर दर्ज कर दी है। आस पास के जितने सी सी टी वी हैं ये कैमरे हैं, हमने उनको कल डाल दिया उसमें, तो अभी तक इसका किसी आरोपी का कोई पता नहीं लग पाया है। फिर भी हम अपनी तरफ से इसका पूरा प्रयास करेंगे, जिस आदमी ने इसको तोड़ा है उसको हम जल्दी तलाश करके उसको सख्त सजा दिलवाएं। तो ये कब का मामला बताया जा रहा है? ये देखिए, मामला के बारे में इतना नहीं पता कि कब हुआ है, लेकिन कल लोगों ने इसको देखा है, पब्लिक के लोगों ने इसको कल ही मूर्ति की तरफ किसी ने ध्यान किया है कि वो मूर्ति जा रही है, उसमें पिस्तौल गायब है। सीसीटीवी देखे जा रहे हैं? सीसीटीवी देख लिए हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी संदिग्ध का किसी का पता नहीं लग पाया। दो साल पहले भी इस तरह की घटना हुई थी? इस प्रकार का मुझे पहली बार ही मेरे को पता लगे, कल यहाँ की घटना पता कि पहले कभी हुई थी। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.